बिलासपुर जिला में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए जिलाधीश बिलासपुर विवेक भाटिया द्वारा पिछले एक वर्ष से किए जा रहे प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में घोषित हुए हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के परिणामों में प्रदेश भर में टॉप 10 मेधावियों में बिलासपुर जिला अन्य जिलों को पछाड़ते हुए नंबर 1 बना है। बिलासपुर जिला में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए जिलाधीश बिलासपुर विवेक भाटिया द्वारा पिछले एक साल से किए जा रहे प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में घोषित हुए हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के परिणामों में प्रदेश भर में टॉप 10 मेधावियों में जिला बिलासपुर अन्य जिलों को पछाड़ते हुए नंबर 1 पर आ गया है। अन्य जिलों की अपेक्षा बिलासपुर जिला की सबसे अधिक 9 मेरिटें इस बार आई हैं। इसी मुद्दे पर अपने कार्यालय में जिला शिक्षा उपनिदेशक अमर सिंह ठाकुर के साथ पत्रकार वार्ता करते हुए डीसी बिलासपुर विवेक भाटिया ने बताया कि पिछले एक साल से किए गए विभिन्न प्रयासों से इस बार जिला में 12वीं कक्षा के बोर्ड के वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम बहुत ही बढ़िया रहे हैं। डीसी विवेक भाटिया के प्रयासों से जिला में पहली बार विज्ञान संकाय के विद्यालयों के लिए प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन भी किया गया। प्री बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र डाइट जुखाला के सहयोग से अनुभवी अध्यापकों से तैयार करवाए गए थे। जिलाधीश ने जिला के बड़े बड़े अधिकारियों को एक एक स्कूल की जिम्मेवारी सौंपी थी। डीसी विवेक भाटिया ने बताया कि इस बार जिला में बोर्ड परीक्षाओं में 100% परीक्षा परिणाम लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 15 नवंबर तक पाठ्यक्रम को पूर्ण करवा लेने का लक्ष्य तय किया गया था। प्रयास किया जा रहा है कि इस बार कला संकाय की छात्र छात्राओं के लिए भी प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित हो सके। और जिसमें से हमारे 67.25% जो हमारा पास परसेंटेज रहा बिलासपुर, विच इज मोर देन स्टेट एवरेज, मोर से ज्यादा। अच्छा, लास्ट ईयर का जब मैं इनसे पूछ रहा, लास्ट ईयर का बिलासपुर का था 62.18%, और जबकि स्टेट एवरेज था 70% के आसपास। तो पिछली बार बिलासपुर का एवरेज जो था वो स्टेट एवरेज से 8% कम था, इस बार जो है हमारा जो स्टेट एवरेज से 5% ज़्यादा है। सीसीटीवी जो थे सभी स्कूलों में थे, हमारी जो रेगुलर मॉनिटरिंग हुई है, बहुत सारे केसेस बने हैं, नकल का जितने नकेल हम कस सकते थे उतनी हमने कसी है। तो हम बड़े दावे के साथ ही कह सकते हैं कि हमारे बिना नकल के जो है ये रिजल्ट आया। और पिछली बार पिछले साल से जो 5% का हमारा इजाफा हुआ, जो कि अपने आप में मुझे लगता है एक अचीवमेंट। दूसरा जो बड़ी एक खास बात है, जो हमने प्री बोर्ड इस बार किए थे, प्री बोर्ड हमने साइंस स्ट्रीम के लिए किए, तो इस वजह से साइंस स्ट्रीम का हमारा जो रिजल्ट है वो जो मुझे बताया जा रहा है ओवरऑल वो 87% है, 87% के आसपास है, 87% है, जो अपने आप में, क्योंकि इस बार हमने टारगेट सभी प्रिंसिपल्स को 100% का दिया, 87% जो है रिजल्ट अभी तक बताया जा रहा है। और मैं खुद सुन के बड़ा हर्षित हुआ जब मेरे को ये पता लगा। चलिए, किन्हीं कारणों की वजह से, लॉजिस्टिक इशूज़ की वजह से हम आर्ट्स और कॉमर्स में इस बार प्री बोर्ड नहीं कर पाए थे, जिसका मुझे मलाल है कि अगर वहाँ किया होता तो शायद ये आर्ट्स और उसमें भी कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा होता। पर चलिए, वो थोड़ा इंग्लिश की वजह से बता रहे हैं कि इस बार रिजल्ट नॉन साइंस सब्जेक्ट्स में कम। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम रिजल्ट बढ़ाने की बात करते हैं कि 100% रिजल्ट हमें चाहिए, तो हम सिर्फ एक टारगेट देके किसी को नहीं छोड़ सकते। तो इस बार इसके लिए हमने इसका पीरियोडिक रिव्यू हर मंडे को हम इसका करते थे, जिसमें कि पहले तो टाइमली तौर पे सिलेबस को ख़त्म करने की बात हमने की सारे टीचर्स से। इसके अलावा डाइट के माध्यम से सारे जो हमारा स्टडी मटेरियल है, जो क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर के, 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, इनको, इनके माध्यम से हमने एक टास्क ग्रुप सब्जेक्ट वाइज बनाया, उनसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाए ताकि बच्चों के लिए इसमें थोड़ा सा एक एनकरेजिंग इनपुट उनको मिले एग्ज़ाम की तैयारी करने की। अच्छा सर, आपकी ना एक अपने स्तर पर एक तैयारी है कि इन बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करवाया जाए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो भी है। नहीं, पर बात यह है कि अभी तक जो हमारे सरकारी स्कूलों में मैंने देखा कि हम सबसे पहले तो हमारा टारगेट ये है कि पहले बच्चों को, सभी बच्चों को पास करवाया जाए, और साथ में जो हमारे मेधावी बच्चे हैं उनको ठीक है आगे की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी इनपुट देनी चाहिए। अब जो हमारे बच्चे मेरिट में आए हैं, अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करेंगे तो उनके भविष्य के लिए अच्छा है। तो इसके लिए भी इस बार हम सोच रहे हैं कि नैना देवी में हमारा एक छात्रावास है, हमारा एक स्कूल चल रहा है टेम्पल ट्रस्ट के माध्यम से, या तो उसमें या किसी और उपयुक्त जगह में कोशिश करेंगे, जो हमारे इस तरह के मेरिटोरियस स्टूडेंट सारे ज़िले के हैं उनको एक जगह बुलाएँ और किसी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हम टाई अप करें,
या हमारे जो अच्छे स्कूल हैं यहाँ ज़िला के जो अच्छे स्कूल हैं वहाँ से हमें कुछ इनपुट मिले, कुछ इस तरह का सब लोगों को इकट्ठा करके हम कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह का वातावरण बनाए जिससे कि जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी है इसका भी माहौल बने। इसमें एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो यही था कि इस बार सेमिनार्स जो हैं सारे टीचर्स को बुला के वो हमने सारे टीचर्स की ओरिएंटेशन की है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन के ऊपर वर्कशॉप करवाई है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद आज ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इस ये काफ़ी हमारे लिए भी प्रेरणादायक है और एक अच्छी भावना जो है सारे स्कूल्स में आ रही है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, आई मिलते हैं ब्रेक के बाद।